जी, तो मैं ध्यान होगा कि दिसंबर में जो पहला रविवार था उस पे हम लोगों ने जो मंथली मीटिंग की थी उसमें कीनोट लेक्चर के रूप में हमने इस पे बात किया था कि नैक में मूल्य आधारित कार्यक्रमों की क्या संभावना है, कितने ऐसे क्राइटेरिया हैं, इंडिकेटर्स हैं नैक में, जिसमें हम अगर मूल्य आधारित कार्यक्रम करते हैं शिक्षा में तो उससे हमें बढ़ावा मिलेगा, सहयोग मिलेगा। उसी क्रम में आज हम लोग इस पे बात करने वाले हैं कि नैक में मूल्य वर्धित पाठ्यक्रमों का भी एक स्कोप है और हम लोग देखेंगे किस क्राइटेरियन से जुड़ा हुआ है वो। नैक का मतलब है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। तो आज के दिन हम सबको ज्ञात होगा कि एक नियम बनाया गया है कि सभी कॉलेजेस के लिए, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए नैक का मान्यता लेना आवश्यक है और सभी कॉलेजेस के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। ये हम सबके लिए एक अवसर है कैसे हम शिक्षा को मूल्य आधारित बनाने के लिए इसका सदुपयोग करें। उसी क्रम में हमने एक ओवरऑल समझ विकसित की थी पिछले मीटिंग में और अब हम उसके एक पर्टिकुलर क्राइटेरियन पे बात करने वाले हैं जिसमें मूल्य वर्धित पाठ्यक्रमों की चर्चा होती है। यदि नैक को देखें तो यदि उसके कोर वैल्यूज को देखें, जो उसमें मूल चाहना है उसको देखें, तो ये है कि नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन हो शिक्षा का। शिक्षा मियरली पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम ना हो परंतु उससे राष्ट्र का विकास हो, देश का विकास हो। वैसे ही उससे ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज डेवलप हो स्टूडेंट्स में। अब इसको हम कई प्रकार से ले सकते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटेंसी को हम स्किल के रूप में भी देख सकते हैं, ग्लोबल कॉम्पिटेंसी को हम समाज और भाव के रूप में भी देख सकते हैं। तो अगर हम इसको इस रूप में लें कि बच्चों के अंदर एक अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने की प्रेरणा बने, योग्यता विकसित हो, तो नैक का उसमें एक अच्छा खासा सहयोग मिल सकता है। वैसे ही बच्चों के जीने में मूल्य आधारित आचरण हो, बच्चों के जीने में उनका जो व्यवहार है, विचार है, कार्य है, भागीदारी हो, वो मूल्य आधारित हो, इसका भी काफी स्कोप है। अगर हम देखें तो नैक में इसके लिए ऑब्जेक्टिव भी सेट किया गया है कि बच्चों का जीना मूल्य आधारित हो, वैल्यू सिस्टम हो, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग हो। तो टेक्नोलॉजी आज के दिन बढ़ती जा रही है और उसके साथ ही इसके सदुपयोग को लेकर चर्चाएं भी काफी हो रही हैं। तो कैसे इसका सदुपयोग बढ़े, जैसे अभी भी हम देखें तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सभी अपने अपने घरों में इस ठंड के मौसम में जुड़ पा रहे हैं, ये एक सदुपयोग है और टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी बढ़ रहा है। इसको अगर हम और ठीक से सदुपयोग करेंगे तो इस वस्तु को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने में सहयोग मिलेगा और पूरे विश्व में एक व्यवस्था बनाने में भी सहयोग मिलेगा। और पांचवा लक्ष्य ये रखा गया है कि बच्चों के अंदर श्रेष्ठता को अर्जित करने की एक चाहना हो, एक इच्छा हो, बेस्ट हो उनके अंदर। श्रेष्ठता को भी हम सही समझ, सही भाव के अर्थ में अगर परिभाषित करें तो बहुत अच्छा अवसर है। हम ये लिए उसको स्किल के रूप में ना देखें। तो जो नैक के कोर वैल्यूज हैं उसमें काफी स्कोप है कि हम शिक्षा को मूल्य आधारित बना पाए। इस पे किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं। ये हमने पिछली बार बात की थी। अगर उसके की इंडिकेटर्स को देखें, किन किन मापदंडों में मूल्यांकन होता है, तो पहला इंडिकेटर है करिकुलम का और उसमें 1.3 में ये बात होती है कि करिकुलम को कैसे एनरिच किया जाए। तो एक तो ये बात है कि करिकुलम में ऑलरेडी कोर्सेज होते हैं जिनके क्रेडिट्स होते हैं। AICTE के अनुसार अभी 163 क्रेडिट्स का कोर्स है, 160 क्रेडिट पहले थे परंतु AICTE ने UHV के मैंडेटरी सेकेंड ईयर के कोर्स को इंक्लूड करने के लिए उसको 163 क्रेडिट्स का बनाया। तो ऑलरेडी कई सारे कोर्सेज हैं। हाल में ही AICTE ने माइनर डिग्री को भी अप्रूवल दिया। तो अभी आज के दिन जो स्कोप है रेगुलर करिकुलम में मूल्य आधारित पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने का, तो फर्स्ट ईयर में इंडक्शन प्रोग्राम है, सेकेंड ईयर में मैंडेटरी 3 क्रेडिट्स का कोर्स है जिसको हम लोग UHV 2 कहते हैं। फिर इलेक्टिव्स भी हैं, जैसे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो यूपी में है उसने कई सारे इलेक्टिव्स लोड किए हैं ताकि हर वर्ष में बच्चा किसी न किसी रूप में इस पाठ्य वस्तु से गुजर पाए और माइनर डिग्री को भी स्वीकृति मिली है। तो इतना स्कोप ऑलरेडी करिकुलम में है। उसके अलावा भी नैक में एक स्कोप है, एक प्रोविजन है जिसको कहते हैं करिकुलम एनरिचमेंट, मूल्य वर्धित पाठ्यक्रमों को कैसे और इसमें इंक्लूड किया जाए। तो ये वो कोर्स होते हैं जो आपके करिकुलम के हिस्सा नहीं होते हैं परंतु आप अलग से बच्चों को इसमें शामिल कर सकते हैं, उनके साथ
इस पे आप रेगुलर कुछ इनपुट्स दे सकते हैं। तो मूल्यवर्धित पाठ्यक्रमों में कुछ नियम बनाए गए हैं। नियम कुछ इस प्रकार के हैं कि जो मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम होंगे उसमें कम से कम 30 घंटे बच्चे उस कोर्स से गुजरेंगे, वो आपका रेगुलर करिकुलम का हिस्सा नहीं होगा, और बच्चों को आपस में कोई सर्टिफिकेट भी देंगे। तो 1.3.2 में देखें तो ये बात हुई कितने मूल्यवर्धित कोर्स हैं हमारे कार्यक्रम में, जिसमें हम कुछ ऐसे स्किल्स ऑफर कर रहे हैं, ऐसा समझ विकसित कर रहे हैं, और 5 सालों में हमने कितना ऐसा प्रयास किया है उसका लेखा जोखा अपने को देना है। तो ऐसे कोर्सेज का नाम क्या है जिसमें कम से कम 30 घंटे बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ, कितनी बार ये कोर्स ऑफर किए गए और कितने बच्चों ने इसको कंप्लीट किया, ऐसा आपको एक डेटा देना होता है। और फिर 1.3.3.1 में इतने बच्चों का लेखा जोखा आपको रखना होता है, ईयर बाय ईयर कितने बच्चे इससे गुजरे, कितने कोर्सेज आपने पढ़ा है उसका लेखा जोखा रखना होता है। कुल देखें तो 20 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स के अनुसार देखें तो नैक में 1000 पॉइंट्स टोटल होते हैं, इसमें से 20 पॉइंट्स में ये स्कोप है। पॉइंट्स को तो मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु स्कोप के रूप में देखें तो बहुत ज्यादा है। इसमें आपको अलग से AICTE या UGC का अप्रूवल लेकर ये कोर्स पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप इसे खुद से डिजाइन कर सकते हैं, अपने मैनेजमेंट के लेवल पे अप्रूवल लेकर आप इसे ऑफर कर सकते हैं, और शिक्षक खुद अपने प्रयास से जो भी एक्स्ट्रा आवर्स हैं, जो हमारे रेगुलर करिकुलम के आवर्स हैं, उससे अलग कुछ समय निकालकर इसको पढ़ा सकते हैं। तो जैसे कई बार होता है कि सैटरडेज को जनरली क्लासेस नहीं रहती हैं, तो सैटरडेज को ऑफर कर सकते हैं, शाम के समय जो हमारे पास अतिरिक्त समय है उसमें ऑफर कर सकते हैं, बीच में हमें कई बार लाइब्रेरी आवर्स मिलते हैं, स्टूडियो आवर्स या फिर फ्री आवर्स मिलते हैं, उसमें हम ऑफर कर सकते हैं। और इसको हम जितना एनरिच करेंगे इस कोर्स को, जितना इसको हम अभ्यास इसमें शामिल करेंगे, उतना बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा। तो होता क्या है कि एक कोर्स में जब बच्चे आते हैं और सुनते हैं पूरी प्रस्तावना को, तो पूरी प्रस्तावना को ग्रास्प करने में उनको काफी समय लगता है, अगर हम सेकेंड ईयर में देखें जो हम इनपुट दे रहे हैं, बट उसके ऊपर जो उनको मनन करना है, जो उसको अभ्यास करना है जीने में, उसमें ऐसे कोर्सेज का एक महत्वपूर्ण योगदान है, और इसको हम हर सेमेस्टर ऑफर कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर से लेकर हम आखिरी वर्ष तक ऑफर कर सकते हैं। तो कुछ कोर्सेज का यहाँ प्रस्ताव रख रहे हैं, ये वो कोर्सेज हैं जो माइनर डिग्री में भी शामिल हैं, इलेक्टिव कोर्सेज में भी शामिल हैं, या कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जैसे पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक एमटेक और एक पीजी डिप्लोमा कोर्स चलाया गया, उसमें जो कोर्सेज को शामिल किया गया, जिन कोर्सेज को शामिल किया गया, वैसे IIT दिल्ली में कुछ प्रयास हुआ। तो और सिस्टम से बाहर हटकर भी जो प्रयास हुए हैं, जो इनफॉर्मल तरीके से हो रहे हैं, ऐसे कुछ कोर्सेज को यहाँ शामिल किया गया है। तो जैसे एक UHV3 नाम से कोर्स है, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग एंड एग्जिस्टेंस कॉम्प्रिहेंसिवली। अब वो कोर्स अपने आप में देखें तो 42 घंटों का है, तो यदि हम उसको दो भाग में रख पाए और उसे इंटरैक्टिव बना पाए, तो ऐसे दो कोर्स हम लोग बच्चों के साथ ऑफर कर सकते हैं जो वैल्यू एडेड कोर्स के रूप में होगा। तो एक कोर्स में हम ह्यूमन बीइंग को विस्तार से समझने का काम कर सकते हैं, दूसरे कोर्स में हम एग्जिस्टेंस को समझने का विस्तार से काम कर सकते हैं। तो अगर कहीं पे अभी माइनर डिग्री नहीं लागू हुआ है और इलेक्टिव कोर्स भी नहीं है UHV3 का, तो हाँ ये स्कोप है कि आप ऐसे वैल्यू एडेड कोर्स को रखकर बच्चों की गति को बढ़ा सकते हैं, उन्हें समझ विकसित करने का काम कर सकते हैं। और आप ये भी पाएंगे कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको गहराई में जाने की इच्छा होती है, परंतु उनको कोई अवसर नहीं मिलता। मुझे खुद ध्यान है कि हम लोग जब पढ़ रहे थे तो IIT में हम लोग ऐसे कोर्स ढूंढते थे जहाँ पे हमें कुछ समझने का अवसर मिले, रेगुलर करिकुलम में नहीं था तो अपने आप से प्रयास करते थे, बच्चों के जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं उनमें जाकर बैठते थे, जो क्लब्स थी, कमिटीज थी, उनको जाके सुनते थे, जो जिम खाना की तरफ से गेस्ट लेक्चर्स होते थे उनको सुनते थे, वहां अगर कोई व्यक्ति लगे कि इसमें कुछ सार्थक बात करने की योग्यता है, उनसे पर्सनली मिलते थे। तो हम में से ऐसे कई लोग होंगे जो इस तरह की चीजों को ढूंढते रहे हैं, और ऐसे छात्र आज के दिन भी सिस्टम में है, तो उनको कैसे अवसर मिले, उनको कैसे ऐसी वस्तु से परिचय हो, अगर वो गहराई में जाना चाहें, कैसे उनके लिए हम नए नए अवसर तैयार कर सके, उसके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है ये वैल्यू एडेड कोर्स। वैसे इसके एक और कोर्स के रूप में देखें तो जो हम लोग सुबह अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास एक और अभ्यास दो, उसको हम स्कूल कॉलेज में भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। तो हम ये भी देखें कि अगर बच्चों के साथ हमें ऐसे जुड़ने का अवसर मिलता है, तो हम बच्चों को एक सर्टिफिकेट भी देंगे, उनके साथ कुछ निश्चित घंटों का कार्यक्रम भी बनाएंगे,
और उससे हमारी अपनी भी समझ बढ़ेगी, बच्चों की भी समझ बढ़ेगी, एक टीम डेवलप होगा। ये देखने में आता है कि अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक भी व्यक्ति ऐसा हो जिसको दिखता है कि सही समझ मेरे जीने में पहली वरीयता है और मुझे तो यही करना है, और थोड़ा सा सिस्टम का सहयोग मिले, तो पूरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी का वातावरण बदलने लगता है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं। वैसे ही अगर उस व्यक्ति के आसपास एक टीम बन जाए बच्चों की, शिक्षकों की, और ऐसी टीम को डेवलप करने में इस तरह के अभ्यास, इस तरह के कोर्सेज का एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। जो बातें हम लोग इनफॉर्मली बैठ के कर रहे हैं उसको हम कहीं एक निश्चित समय स्थान पे करें, एक निश्चित व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी ले लें और इतने घंटों को हम पूरा कर लें, उसका हम रिकॉर्ड बना लें, अटेंडेंस नोट कर लें। तो बच्चों को थोड़ा कई बार सर्टिफिकेट में भी इंटरेस्ट होता है, वो सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, फैकल्टी को भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और इसको हम अपने मैनेजमेंट से अप्रूवल ले लें। तो दोनों तरफ उपकार होगा, एक तो समझ भी बढ़ेगी, दूसरा उस सिस्टम में रहने के लिए जो अपने को कुछ चीज आवश्यक लगती हैं वो भी पूरे होंगे। वैसे ही एक कोर्स है माइनर डिग्री में, विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी, जो 42 घंटों का कोर्स है, उसको भी यदि हम दो भाग में रख लें और थोड़ा इसको अभ्यास जोड़ लें इसमें, तो उसको दो भाग में रख सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इट्स फुलफिलमेंट, और दूसरा हो सकता है सिस्टम्स फॉर अनडिवाइडेड सोसाइटी, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एंड ह्यूमन ट्रेडिशन। तो आप पाएंगे कि कुछ कंटेंट इन सारे कोर्सेज में समान होंगे, परंतु जो इम्फेसिस होती है अलग अलग हो जाती है। तो जैसे हम सिस्टम्स की अगर बात करते हैं तो हम फिर विस्तार में जाते हैं सिस्टम्स के लिए, अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो विस्तार में जाते हैं मानव को समझने के लिए, अस्तित्व को समझने के लिए। तो कुछ बेसिक फाउंडेशनल इनपुट जो इंडक्शन प्रोग्राम में मिलता है, जो UHV2 कोर्स मिलता है, उसको आधार बनाकर फिर आगे इन सारे कोर्सेज में डिस्कशन हो सकता है। ये भी बात हो रही है कि हम अभी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, और इसमें देखें तो वो सार रखा गया है जो विश्व के भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न अवसरों पे लोगों ने प्रयास किया, प्रयोग किया है, उससे जो दर्शन उभरे हैं उसके जो सार तत्व को इस कोर्स में शामिल किया गया है। तो किसी व्यक्ति को अगर किसी दर्शन विशेष को अध्ययन करने में रुचि हो तो उनको हम भिन्न भिन्न दर्शनों का अध्ययन करने का भी अवसर दे सकते हैं। ये इलेक्टिव कोर्स ग्रुप में भी जा सकते हैं, माइनर डिग्री में भी जा सकते हैं, और यदि प्रोविजन नहीं है तो हम ऐसे वैल्यू एडेड कोर्सेज में रख सकते हैं। उसकी एक लिस्ट हम लोग देखेंगे और इसका मूल आशय क्या है वो भी हम देखेंगे। वैसे हेल्थ के ऊपर बात हो सकती है, एक कोर्स माइनर डिग्री के लिए डेवलप भी किया गया, होलिस्टिक ह्यूमन हेल्थ, वो हम रख सकते हैं। उसी से जुड़ा हुआ जिसमें थोड़ा सा ध्यान योग और नेचुरोपैथी पे विशेष रूप से चला जाए, ऐसा एक कोर्स हम बना सकते हैं। इसमें देखा खासा इंटरेस्ट होता है बच्चों का, क्योंकि बच्चे स्वास्थ्य के लिए जागरूक हो रहे हैं, शिक्षक भी स्वास्थ्य के लिए जागरूक हो रहे हैं, और कई बार हम लोग यूट्यूब पे कुछ वीडियोज देखकर अपने को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं, कुछ अभ्यास करते हैं, यहाँ वहां से हम कुछ चीजें सीखते हैं। तो इसको हम एक अगर ऐसा एक सर्टिफिकेट कोर्स बना लें तो पूरे कॉलेज के लिए उपयोगी होगा। तो योग और नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी में ऐसे बहुत सारी विधियां हैं जिससे हम जो सामान्य रूप से समस्याएं आती हैं, सर्दी जुकाम बुखार पेट की समस्याएं, उनका हम बहुत ही सरलता से इलाज कर सकते हैं बिना हम कोई एलोपैथी या इस तरह की दवाओं को लिए हुए। फिर हमारे देश में आयुर्वेद पुराना ज्ञान परंपरा रहा है, तो आयुर्वेद और ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस भी हैं, जैसे यूनानी है इत्यादि, ऐसे कई हेल्थ प्रैक्टिसेज हैं, इसके बारे में कोर्स ऑफर किया जा सकता है। वैसे ही जो ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज हैं, साइकोलॉजी सोशोलॉजी इकोनॉमिक्स, इन कोर्सेज को कैसे हम इस मानवीय दृष्टि के साथ ऑफर कर सकते हैं, तो जनरली इन कोर्सेज में जो थीसिस, जो कंटेंट रखा जाता है या जो थियरीज रखे जाते हैं वो इस रूप में रखे जाते हैं कि अभी मानव जैसा जी रहा है उसका आकलन कैसे हो, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसा मानव है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे सिद्धांत रखे जाते हैं, बहुत सारे दृष्टांत रखे जाते हैं, परंतु मानव कैसा होना चाहता है उसको आधार में यदि रखकर कुछ कोर्सेज ऑफर किए जाएं तो एक प्रॉपर कनेक्ट बनेगा, जैसा मैं हूँ और जैसा मैं वास्तव में होना चाहता हूँ, इन दोनों के बीच में कनेक्ट बनेगा, ताकि जैसा मैं हूँ उसमें परिमार्जन हो, जैसा समाज है उसमें परिमार्जन हो, कैसे हम मानव की समझ के साथ मनोविज्ञान को समझ सकते हैं, समाज की समझ के साथ सोशियोलॉजी को समझ सकते हैं, समाजशास्त्र को समझ सकते हैं, वैसे मैं और शरीर की आवश्यकताओं को अलग अलग पहचानते हुए कैसे हम अर्थशास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं। वैसे ही देखें तो बच्चे टेक्नोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, प्रोडक्शन सिस्टम्स का अध्ययन कर रहे हैं, मैनेजमेंट का अध्ययन कर रहे हैं, इसको होलिस्टिक कैसे बनाया जाए, इसको समग्र कैसे बनाया जाए,
तो इसमें बहुत सारी मूलभूत बातें तो कहीं ना कहीं किसी कोर्स में जाती हैं, और UHE2 कोर्स में भी हम कुछ बातों को लेकर आते हैं जब एथिक्स पे बात होती है। अगर हम इसको थोड़ा विस्तार करें तो हम ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज का अध्ययन करा सकते हैं बच्चों को, क्योंकि होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज को लेकर आप पाएंगे कि विश्व भर में प्रयोग हो रहे हैं। जो प्रकृति में आवर्तनशीलता है उसका प्रयोग करते हुए कैसे हम प्रोडक्ट्स को डिजाइन करें, कैसे हम अपने उपयोगी वस्तुओं को बनाएं, कैसे उनकी उपयोगिता को बढ़ाएं, ऐसे बहुत सारे प्रयोग अभ्यास किए जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ टिपिकल केस स्टडीज हो सकते हैं जिसको हम बच्चों को अध्ययन करा सकते हैं, और इसके लिए हमें, अगर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो ऐसे बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी। कई सारे ऐसे संस्थाएं हैं जहाँ पे ऐसी सूचनाओं को एकत्र किया जाता है। जैसे मुझे ध्यान है एक ज्ञान करके एक संस्था है, गुजरात इनोवेशन एंड ऑगमेंटेशन नेटवर्क, लोगों ने ऐसे बहुत सारे प्रयोग जो गांव में सामान्य लोग कर रहे हैं उनकी जानकारी इकट्ठा की है। उनकी एक टीम होती है, हनी बी नेटवर्क कहते हैं। तो जैसे एक मधुमक्खी फूल से पराग चुनती है, वैसे ये लोग देश भर में घूम घूम कर ऐसी जानकारियां बटोरते हैं, और ऐसी कई संस्थाएं आपको मिलेंगी। ये कई बार हमारे रेगुलर करिकुलम में सूचनाएं नहीं आती, या हम इसको एक लो टेक्नोलॉजी मानकर इग्नोर कर देते हैं, परंतु आप पाएंगे कि ऐसे लो टेक्नोलॉजीज कई बार हमारे ज्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि हम उसको स्वावलंबी होकर बना सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, और उससे हमारे जो ट्रेडिशनल उत्पादन की विधियां हैं उसमें बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। जैसे अभी किसी ने गन्ने की कटाई के लिए एक हसिया डिजाइन करके शेयर किया था, तो उसमें यह है कि आप सिर्फ अभी हसिया से गन्ने को काटते हैं, फिर उसी हसिया से गन्ने को छीलते हैं। उसने क्या किया था कि हसिया का जो मुट्ठा है उसको ऐसा बनाया था कि आप मुट्ठे से छीलिए और हसिया से काटिए, समय भी बचा, आपका हाथ भी कटने से बचा और काम भी बेहतर हो गया। तो ऐसे टेक्नोलॉजीज पे है ना कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं, और उसके केस स्टडीज पे हम ऑफर कर सकते हैं। हम बच्चों को कह सकते हैं कि जैसे आप भी सूचना जुटाइए, आपके आसपास अगर कोई ऐसी उपयोगी वस्तु बनी है उसके बारे में जानकारी लाइए। और आज के दिन तो डिजाइन थिंकिंग को लेकर कोर्सेज बीटेक एमटेक हर जगह ऑफर किए जा रहे हैं, एमबीए, तो बच्चों के अंदर डिजाइन थिंकिंग का भी एक अभ्यास विकसित होगा कि कोई भी अगर हमको समस्या दिखती है उसके लिए अगर हमको लगता है कोई प्रोडक्ट की जरूरत है तो कैसे हम उसको इस पूरी समझ के साथ डिजाइन कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। वैसे ही टेक्नोलॉजी से आगे बढ़कर यदि प्रोडक्शन सिस्टम्स की बात की जाए तो शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, भोजन को उत्पादन का एक पूरा तंत्र है। कपड़े की आवश्यकता है, कपड़े के लिए उत्पादन का एक तंत्र है। मकान की आवश्यकता है, मकान को उत्पादन का तंत्र है। साधनों की आवश्यकता है, साधनों के उत्पादन का एक तंत्र है। उस पूरे तंत्र को कैसे हम विकसित करें ताकि उससे हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी हो ठीक से, और समाज में हर मानव की आवश्यकता पूरी हो बिना किसी का शोषण किए, ना मानव का ना शेष प्रकृति का, हम सबकी आवश्यकता पूरी हो। ऐसे ही बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं देश में विदेश में, है ना, जिसकी जानकारी हमको विरले मिल पाती है। कई बार व्हाट्सएप पे ऐसे वीडियोज घूमते हैं तो हम देख लेते हैं, उसको अप्रिशिएट कर लेते हैं, या फिर यूट्यूब पे वीडियोज ढूंढते हैं तो मिल जाते हैं, या कुछ बुक्स पढ़ते हैं तो जानकारियां मिल जाती हैं। बट ऐसा अभी कोई कोर्स हो जिसमें कि ऐसे टिपिकल केस स्टडीज को स्टडी कराया जाए तो बच्चों के अंदर इसमें इनोवेशन का, इंक्यूबेशन का, डिजाइन का एक एटीट्यूड विकसित होगा। बच्चे सॉल्यूशन सेंट्रिक होकर सोचेंगे, समाधान को केंद्र में रखकर सोचेंगे, ना कि समस्या को। तो बच्चों के अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति विकसित करनी है कि जैसे ही आपको कोई समस्या दिखे आप तुरंत उसका समाधान ढूंढना शुरू करिए, बजाय ऐसे कि हाथ पे हाथ धर के बैठे, सर पे हाथ धर के बैठ जाए, समस्याओं को केंद्र में लेकर सोचना शुरू करें, निराशा में चले जाए। तो ऐसा ना होकर बच्चों के अंदर तुरंत उसका समाधान देने की प्रवृत्ति बने, और ऐसी जो भी प्रयोग व्यवहार हुए हैं इतिहास में, परंपरा में, आसपास विश्व भर में, उसकी जानकारी सिस्टमेटिकली बच्चों को मिले। वैसे ही मैनेजमेंट तो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। मैनेजमेंट किस प्रकार ऐसा हो जो मानव के लिए भी पूरक हो और शेष प्रकृति के लिए भी पूरक हो, तो ऐसा भी बहुत सारा प्रयोग हुआ है विश्व भर में। ऐसे मैनेजमेंट मॉडल्स पे हम लोग मूल अवधारणा क्या होगी इस पे बात कर सकते हैं, यानी कैसे परस्पर पूरकता सिद्ध होगी मानव के साथ शेष प्रकृति के साथ, इस पे बात कर सकते हैं, और ऐसे प्रयोग जो किए गए हैं उनकी सूचना एकत्र कर सकते हैं। ये काफी एक्सप्लोरेटिव रहेंगे कोर्सेज, जो केस स्टडीज का कोर्स है ना, कुछ हम अपनी तरफ जानकारी देंगे और कुछ बच्चों कहेंगे कि आप एक्सप्लोर करके लाओ, आप देखो इसमें क्या बेहतर हो सकता है। और आप पाएंगे इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल नो हाउ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे अंदर एक संबंध का भाव हो, व्यवस्था का भाव हो, तो हम ऐसे मॉडल इजाद भी करने लगते हैं। उसी से एक मिलता जुलता कोर्स है जो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ऑफर किया गया था एमटेक कोर्स के दौरान, मैनेजमेंट बाय रिलेशनशिप, और उसमें खासतौर पर कोऑपरेटिव
इंटरप्राइजेस को लेकर जो कार्यक्रम बने हैं, जो एक मूवमेंट के रूप में, एक आंदोलन के रूप में भी रहा है विश्व भर में, उस पर बात हुई है, तो उसको भी हम इसके मिलता जुलता कोर्स ऑफर कर सकते हैं। वैसे ही टिपिकल अगर हम प्रोडक्शन सिस्टम्स को देखें तो कैसे आवर्तनशील विधि से खेती हो, इस पे बहुत सारा प्रयोग हुआ है, इसके बारे में सटीक जानकारी दी जा सकती है। फिर समाज में कुछ प्रयोग ऐसे हो रहे हैं जिसको कहते हैं नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। तो कई बार ये होता है कि हम विश्वास के भाव, सम्मान के भाव की बातें करते हैं, उस पर जांच परख भी करने जाते हैं, परंतु जीने में उतरने में समय लगता है। तो कुछ ऐसे प्रयोग हुए हैं जहाँ पे अगर हम दूसरी तरफ से अपने व्यवहार का मूल्यांकन करें तो हमको अपने भाव का मूल्यांकन करने में सहयोग मिलता है। तो ऐसा एक प्रयोग है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, इससे कुछ वर्कशॉप भी कराए गए हैं, कानपुर संस्थान में भी एक वर्कशॉप ऐसा हुआ था। कई लोगों का कहना है कि इससे काफी सहयोग मिला उनको अपने भाव विचार पे काम करने में, अपने व्यवहार को ठीक रखने में। तो ऐसा भी एक कोर्स हम लोग ऑफर कर सकते हैं। इससे जो परिवार में व्यवस्था को लेकर हम लोग रेगुलर इनपुट दे रहे हैं उसको समझने में, जीने में बच्चों को बहुत सहयोग मिलेगा। काफी स्कोप है इस कोर्स में भी कुछ करने के लिए। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है आज के दिन विश्व भर में, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आधार क्या होगा? कई बार दिखता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं, उसमें मूल बात छूट जा रही है कि अल्टीमेटली मानव में समझ विकसित हो। तो हम इस पूरी अवधारणा के साथ मानव में समझ के विकास को केंद्र में रखकर उद्यमिता को विकसित कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को विकसित कर सकते हैं कि बच्चे ऐसे असाइनमेंट्स लें, ऐसे प्रोजेक्ट्स लें, ऐसे साहसपूर्ण योजनाएं लें, बनाएं, जिससे कि समाज का एक सर्वांगीण विकास हो जो सस्टेनेबल हो। इससे एक मिलता जुलता कोर्स सोशल एंटरप्राइज के लिए भी रखा गया था पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, तो उसके क्या मूलभूत सिद्धांत होंगे, अभ्यास होंगे, उस पर कोर्स रखा गया था। तो सोशल एंटरप्राइज भी एक महत्वपूर्ण बात है कि आज के दिन जहां बच्चे पढ़ाई पूरा करके सोचते हैं कि मेरा प्लेसमेंट हो जाए, जॉब लग जाए, पैकेज मिल जाए, विदेश चला जाऊं, घूम फिर लूं, मौज मस्ती करूं, उसके बजाय बच्चे सोचें कि कैसे मैं समाज में उतर के नेतृत्व करूं, मैं अपने गांव की जिम्मेदारी लूं, मैं अपने कस्बे की जिम्मेदारी लूं, मैं समाज के कुछ अगर वंचित वर्ग हैं तो उनको मैं सुखी समृद्ध करने की जिम्मेदारी लूं, जेल में यदि कैदी हैं तो कैदियों में सुधार की जिम्मेदारी लूं, कुछ लोग हैं जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक नहीं हो पा रही हैं, ऐसे लोग हैं जो विकलांग हैं और शरीर से असक्षम हो जा रहे हैं, ऐसे वृद्ध हैं जिनका कोई सेवा करने वाला नहीं है, ऐसे बच्चे हैं जिनका लालन पालन करने वाला नहीं है। तो ऐसे भी मानसिकता कैसे विकसित हो, बच्चों में उद्यमिता, ऐसा साहस विकसित हो, है ना, उसके लिए भी कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पूरी उनकी कल्पनाशीलता पे काम होगा, और जब भी कल्पनाशीलता में परिमार्जन की बात होगी तो ध्यान में आएगा कि मुझे अपने अंदर चिंतन, बोध, अनुभव को जागृत करना, अदरवाइज ये काम पूरी तरह से ठीक से नहीं होगा, कहीं ना कहीं चूक होती रहेगी, मेरे अपने जीवन में चूक होगी तो मैं परंपरा में तो कहीं जा नहीं पाऊंगा इसको आगे लेकर। तो ऐसे कोर्सेज हम लोग ऑफर कर सकते हैं। और साइंस एंड ह्यूमैनिज्म का भी एक कोर्स है जो प्रोफेसर आर गौर और प्रोफेसर पीएल धर के द्वारा आईआईटी दिल्ली में शुरू कराया गया था। ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पे जो काम शुरू हुआ उसके पहले इस पे काम हुआ था, और इस कोर्स में काफी सारे इनपुट्स दिए गए थे, तो हम लोग इस तरह के इनपुट्स भी दे सकते हैं। इनफैक्ट इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम अभी जितनी भी बात कर रहे हैं उसमें हम जो प्रचलित विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन का विज्ञान है, इसमें जो खोज हुए, अन्वेषण हुए, शोध हुए, उसकी सीमाएं अभी हम ठीक से कहीं रख नहीं पाते हैं। अगर आप देखेंगे तो 20वीं शताब्दी में बहुत सारे महत्वपूर्ण सिद्धांत आए, जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, फिर क्वांटम थियोरी, है ना, उसके बाद और बहुत सारे थियोरीज आए, और उसकी एक सीमाएं दिखने लगी लोगों को। एक महत्वपूर्ण सीमा जो दिखाई दी वो ये दिखाई दिया कि दृष्टा जब भी किसी दृश्य को दर्शन करने जाता है, देखने जाता है, तो दृष्टा दृश्य का भाव हो जाता है, इसलिए वो वेव की तरह बिहेव करेगी लाइट, या पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप देख की तरह से रहे। तो इससे एक शंका भी उत्पन्न हुई, यानी अस्तित्व को हम जैसा देख रहे हैं वो मेरे ऊपर निर्भर है, अस्तित्व को क्या मैं शुद्ध दृष्टा होकर देख सकता हूँ। अब ये सीमाएं कई बार हम लोग बच्चों तक नहीं ला पाते कि जो प्रसिद्ध विज्ञान उसमें सीमाएं बन गई है कि क्या वास्तविकता को जैसा है वैसा देखा जा सकता है, समझा जा सकता है,
ना, जो प्रचलित विज्ञान है उसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता। तो क्या इन सीमाओं को पहचानते हुए और विज्ञान में जो शोध हुआ उसका सदुपयोग करते हुए मानव कल्याण के लिए काम किया जा सकता है, कैसे हो सकता है? इसलिए आप देखेंगे कि विज्ञान में जो सीमाएं दिखने लगी तो 1950 के बाद कोई बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ। उसके बाद टेक्नोलॉजी पे काम शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, कंप्यूटेशन पे, कंप्यूटिंग पे, इस पे है ना काम ज्यादा शुरू हुआ। साइंस में एक तरह से जो भी काम होना था वो लगा लोगों की इसकी एक सीमा आ गई, इससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद एक क्योस थियरी आ गया 1950 के दशक के बाद, उसमें और लोगों को लगा कि सीमा और हमारी बढ़ गई है। तो जो प्रसिद्ध विज्ञान है उसकी सीमाओं को पहचानते हुए कैसे हम उसको उपयोगी बना सकते हैं समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके सुख समृद्धि के लिए, उस पर भी बात होनी जरूरी है। ये कई बार छूट जाता है जब हम रेगुलर कोर्सेज में बात करते हैं। तो उसके साथ ही ये संभावना है कि हम इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेकर भी कुछ कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं, उसको भी जोड़ सकते हैं। तो अब हम लोग इन कोर्सेज पे एक एक करके बात कर लेते हैं। अभी तक जितनी मैंने बात कही उसको लेकर यदि किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग करना चाहे, कोई चर्चा करना चाहे तो रख सकते हैं। जी, तो जैसे एक वैलिडेट कोर्स हो सकता है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग कॉम्प्रिहेंसिवली। जी अनीता माने जी, गुड आफ्टरनून भैया, कैन यू पुट मोर लाइट ऑन दैट नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, बिकॉज़ दैट हुआ एमबीए पार्ट आल्सो, दैट्स द रीजन आई आस्क्ड, दैट्स मैं आऊंगा उस पे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं परंतु उसके बारे में कुछ सीमित जानकारी है मेरे पास, वो मैं रख दूंगा। और उसके लिए अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो उसके कुछ रिसोर्स पर्संस का आपको कांटेक्ट मिल सकता है जिनसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, जरूर भैया, थैंक यू। तो मानव को समग्रता में कैसे समझें, तो बेसिक एस्पिरेशन हमारा क्या है इस पे ध्यान हमारा जाता है जब हम UHE 1 UHE 2 कोर्स करते हैं। उसमें एक बात जो जोड़ी जाती है इस कोर्स में वो ये है कि हम लोग कहते हैं निरंतर सुख समृद्धि मानव की मूल चाहना है। और ध्यान से देखते हैं तो दिखता है कि मानव की मूल चाहना तो निरंतर सुख है, समृद्धि का भाव उसका एक भाग है। ये भी ध्यान में आता है कि मानव ही है जो ज्ञाता है, जानने वाला है, समूचा अस्तित्व जानने की वस्तु है, और जो प्रक्रिया है वो अपने में चिंतन बोध अनुभव में जागृत होना है। और उसके साथ हम अभी जो सेल्फ का स्टडी करते हैं तो कल्पनाशीलता का आयाम को विस्तार से करते हैं, पर जो अनुभव का आयाम है, ज्ञान का आयाम है, उसको विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं और इसके लेकर कुछ अभ्यास कर सकते हैं। अस्तित्व को समग्रता में समझने का भी एक कोर्स है जो UHE 3 का एक पार्ट है। तो उसमें हम प्रकृति की चार अवस्थाएं किस प्रकार व्यापक में, शून्य में संपृक्त हैं, इसको हम विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। और उसके साथ मानव के जीने का क्या स्वरूप निकल कर आता है, मानवतापूर्ण आचरण किसे कहेंगे, समाधान किसे कहेंगे, मानवीय परंपरा तक ये बात कैसे जाएगी, इस पर विस्तार से बात हो सकती है। जो सुबह में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, दो अभ्यास कर रहे हैं, एक तो स्वयं द्वारा स्वयं को देखना, दूसरा स्वयं द्वारा शरीर को देखना। एक और अभ्यास है स्वयं द्वारा सहअस्तित्व को, शून्य को देखना। तो इसमें जो मूल बात कही जा रही है, जहां हम चूक कर जाते हैं, जहां भटकते हैं, जहां हमको दिखता है कि परंपरा में बहुत सारे प्रयास हुए, सार्थक प्रयास हुए, फिर भी मानवीय परंपरा नहीं बन पाई, तो जो मुख्य कठिनाई आती है वो ये आती है कि हम सुख को स्वभाव के रूप में न देखकर प्रभाव के रूप में देखते हैं। तो दूसरे सुख अनुकूल भाव मिल जाए, जैसे विश्वास का भाव है, सम्मान का भाव है, हम इसको समझने जाते हैं परंतु अपेक्षा दूसरों से लगाए रखते हैं कि दूसरा हम पे विश्वास करे, दूसरा हमारा सम्मान करे, या शरीर से जो अनुकूल संवेदना मिल रही है उससे हम सुखी हो जाएं, कई बार ऐसी एक आशा लगी रहती है। इसके स्थान पर हमको ये दिखने लगे कि सुख मेरा स्वभाव है, सुख का जो स्रोत है वो मेरे भीतर है, वो सही समझ सही भाव से ही पूरा होने वाला है। तो ये तीन जो अभ्यास कर रहे हैं इसमें मूल बात इतनी है कि हमें दिखने लगे। तो अभ्यास एक में अपने भाव के प्रति सजग होकर उसके परिमार्जन के लिए काम करते हैं, अभ्यास दो में जो शरीर से संवेदना मिल रही है उसको जो हम अर्थ देते हैं और उस अर्थ से हम दुखी सुखी होते रहते हैं, उसमें परिमार्जन की बात हो रही है, और अभ्यास तीन में सहअस्तित्व को सीधा सीधा देखने की बात हो रही है। तो ये अभ्यास तीन के लिए थोड़ी और तैयारी चाहिए, इसको अभी हम लोग नहीं रख रहे हैं, बट अभ्यास एक और दो को हम लोग शेयर कर सकते हैं, बच्चों के साथ नियमित अभ्यास करा सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं हमें मेडिटेशन करना है,
मेडिटेशन का भी आशय क्या है वो इस कोर्स के द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि अल्टीमेटली तुम्हें अपना परिमार्जन करना है, उसी अर्थ में मेडिटेशन है। और यही मतलब अल्टीमेटली उसमें यही देखना होगा कि स्वयं को देखना होगा, यानी चैतन्य को देखना होगा, जड़ को देखना होगा जिसके लिए माध्यम शरीर है, और शून्य को देखना होगा। यही कुल करने का काम है, उसको आप चाहे जिस प्रक्रिया से करें, मूल बात तो इतनी ही है। वैसे ही UHE 4 कोर्स में जो विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटीज को दो भाग में रख सकते हैं, तो पहले भाग में हम मानव संबंध को विस्तार से समझने का काम कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग संबंध में 9 भावों की बात करते हैं, विश्वास, सम्मान, स्नेह, जाते हुए प्रेम तक हम पूरी बात करते हैं। इनको कहा स्थापित मूल्य, जो मेरे अंदर भाव स्थापित होता है, परंतु इनके साथ जुड़ा हुआ शिष्ट मूल्य। जैसे विश्वास का भाव मेरे अंदर होता है तो मेरे आचरण में सौजन्यता दिखाई देती है। सौजन्यता का मतलब सहयोगिता, सहभागिता, सहकारिता। मैं दूसरों के साथ जुड़ पाता हूँ, दूसरों के साथ मैं ऐसा व्यवहार कर पाता हूँ जिससे दूसरे को सुख मिले, मुझे भी सुख मिले, दूसरों के साथ मैं जुड़ के कार्य कर पाता हूँ, भागीदारी कर पाता हूँ। अब ये उसका प्रमाण है। तो स्थापित मूल्यों की हमने बात की है UHE 2 कोर्स में। इस कोर्स में हम शिष्ट मूल्यों की भी बात करते हैं कि हमारे अंदर स्थापित हो जो भाव, उसका हमारा आचरण कैसे होगा उसके आधार पर। और फिर जो हम जिन संबंधों में जीते हैं, तो ऐसे 7 संबंध जिनमें हम जीते हैं, माता पिता संतान संबंध, पति पत्नी संबंध, मित्र मित्र संबंध, भाई बहन संबंध। अब इनमें एक एक संबंध पे विस्तार से बात हो सकती है कि इसमें उभय सुख हो रहा है कि नहीं ना? और इसी संबंध में जीते हुए कैसे हम न्याय को हर संबंध में सुनिश्चित कर सकते हैं, जो एक संस्कृति का, सभ्यता का रूप ले सकती है। तो इस कोर्स में हम इतनी बात करते हैं। इसके आगे जाएं तो हम कैसे संबंध की समझ के साथ न्याय को परिवार से लेकर विश्व परिवार तक सुनिश्चित कर सकते हैं। जो संस्कृति और सभ्यता की बात परिवार में हो रही है, उसको पूरे हम विश्व में जी सकते हैं, जिसके आधार पर समाज अखंड हो सकता है, व्यवस्था सार्वभौम हो सकती है, मानवीय परंपरा बन सकती है। उसको पूरा करने के लिए समाज में किन तंत्रों की जरूरत है, तो शिक्षा संस्कार एक तंत्र है, इसमें क्या काम किया जा सकता है। स्वास्थ्य संयम तंत्र है ना, उत्पादन कार्य एक तंत्र है, विनिमय कोष एक तंत्र है, और ऐसी न्याय सुरक्षा एक तंत्र है। इन सारे तंत्र में क्या कुछ स्कोप है हमारे लिए करने के लिए। तो इन कोर्सेज हम अधिक से अधिक एक्सप्लोरेटिव बना सकते हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट दे सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, बच्चों को ओपनली डिस्कस करने के लिए कह सकते हैं, उनको हम साइट विजिट के लिए कह सकते हैं कि आप जाइए, आप जाकर देख कर आइए, एक गांव को देख कर आइए, आप एक शिक्षा तंत्र को देख आइए, किसी उत्पादन तंत्र को देख कर आइए, आप देखिए वहाँ क्या कठिनाइयाँ हैं और उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं। आप जेल में यदि हम लोग ले जा सके कभी बच्चों को, तो हम जाके वहाँ के अंदर की चीज़ों को दिखा सकते हैं कि देखो यहाँ पे कैदियों में है ना किस तरह से परिमार्जन की संभावना है, या ऐसे प्रयोग हुए हैं तो उनके जो रिसोर्स पर्सन रहे हैं उनसे मुलाकात करवा सकते हैं। इसको हम अधिक से अधिक एक्सप्लोरेटिव बनाते हुए बच्चों में परिमार्जन का काम कर सकते हैं, और इसके साथ पूरी मानवीय परंपरा की एक दृष्टि विकसित कर सकते हैं। अब ये हमने बात किया यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को लेकर, परंतु ह्यूमन वैल्यूज को लेकर तो प्रयोग व्यवहार है ना होता ही रहा है। तो ऐसे बहुत सारे दर्शन उभरे हैं भारत में, पश्चिम में है ना, ऐसे बहुत सारे दर्शन उभरे हैं। तो इन दर्शनों में हम अध्ययन करते हुए, कराते हुए कुछ मिनिमम चीजों को ट्रांसफर कर सकते हैं बच्चों में। जैसे उन दर्शनों में एक विश्व दृष्टि क्या निकल कर आई है, विश्व को किस रूप में देखते हैं, मानव को किस रूप में देखते हैं, अस्तित्व को किस रूप में देखते हैं, मानव संबंध, मानव श्रेष्ठ प्रकृति संबंध को किस रूप में देखते हैं, और इसके साथ मानव लक्ष्य क्या है, मानव के जीने का लक्ष्य क्या है, व्यक्ति के स्तर पर, सामूहिक स्तर पर सुख क्या है, इस दर्शन के अनुसार समृद्धि क्या है, सुख की निरंतरता का आधार क्या है। तो अलग अलग दर्शनों में अलग अलग भाषा का प्रयोग हुआ है, उसका अगर एसेंस देखें तो सेम दिखाई देगा, परंतु भाषा अलग दिखाई देगी, व्याकरण अलग दिखाई देगा। और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए जो स्टेजेज आते हैं हमें डेवलपमेंट के, उसके अलग अलग मापदंड दिखाई देंगे। तो अस्तित्व का सहअस्तित्व के रूप में देखते हुए हम किन किन स्थितियों से गुजरते हैं, उसके अलग अलग दर्शनों में अलग अलग स्थितियां बताई गई हैं, अलग अलग मापदंड बताए गए हैं, तो उससे हम परिचित हो सकते हैं। वास्तविकता को जैसा है वैसा देखने का क्या विधि है, इस पे बात हुई है। और इसके साथ जीते हुए संबंधों के निर्वाह की क्या विधि होगी, चाहे मानव के साथ हो, शेष प्रकृति के साथ हो, जीने में कैसे उतरेगा ना? वैसे ही समाज का क्या लक्ष्य दिखाई देगा इस पूरी समझ के साथ, इस पूरी प्रस्तावना के साथ।
है ना, मानव में क्या गुण उभर कर आएंगे, परिवार में, समाज में क्या गुण उभर कर आएंगे, और सामाजिक स्तर पर क्या सिस्टम्स इवॉल्व होंगे, कैसी सभ्यता होगी, संस्कृति होगी, लोगों का रहन सहन कैसा होगा, आचरण कैसा होगा। अभी सबके साथ हम देख सकते हैं कि आज की जो समस्या है तो कहाँ लोग भटक गए हैं और कैसे उनको हम समाधानित कर सकते हैं। तो भिन्न भिन्न दर्शनों का अध्ययन करते हुए इन बातों पर ध्यान आकर्षण हो सकता है। इससे एक बात तो ये होती है कि बच्चों को एक गौरव का भाव आता है उनके अंदर कि लोगों ने इतना फैल के सोचा है, इतना फैल के ध्यान दिया है, इतना गहनता से प्रयोग किया है, अपने को लगाया है, अपना तन बंधन लगाया है, तो गौरव का भाव आता है और इसका बहुत सारा उपकार हमें मिल रहा है बैठे बिठाए बिना कुछ किए। कृतज्ञता का भी भाव आता है और श्रेष्ठता क्या होती है इसकी भी समझ बनती है ना। श्रेष्ठता सिंपली ग्रेड पाने में है, जॉब पाने में है, प्लेसमेंट में है, पैकेज में है, या ऐसे समझ भाव को विकसित करने में है, इस पर भी ध्यान जाता है। भिन्न भिन्न दर्शनों का अध्ययन करते हुए इन सारे मुद्दों पर ध्यान आकर्षण कराया जा सकता है। तो उसमें कुछ दर्शनों को यहाँ पे रखा गया है, जैसे वैदिक दर्शन को देखें तो एक इलेक्टिव कोर्स में भी है और माइनर डिग्री में शामिल किया गया है, तो 42 घंटे का उसको दो भाग में रख दिया है, तो या तीन भाग में रख दिया है, न्याय, वैशेषिक और सांख्य दर्शन, फिर योग दर्शन और वेदांत दर्शन। तो ऐसे हम भिन्न भिन्न दर्शनों का अध्ययन कर सकते हैं। 20वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण दर्शन निकल कर आया जिसको मध्यस्थ दर्शन कहते हैं, उसके प्रणेता आज के दिन नहीं है, इसी शताब्दी में उनका शरीर शांत हुआ, इससे बहुत सारे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले। कोई अगर मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करना चाहे तो अध्ययन कर सकता है इस कोर्स में। वैसे ही महावीर का दिया हुआ जो जैन दर्शन है, महात्मा बुद्ध का दिया हुआ बौद्ध दर्शन है, इसका अध्ययन कर सकते हैं। वैसे ही हम देखे थे विश्वभर में कई और दर्शन या ऐसे धर्म उभरे जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, इनका अध्ययन कर सकते हैं। पश्चिम में बहुत सारे दर्शन उभरे, उनका अध्ययन कर सकते हैं। चीन में लाओत्ज़ू और कन्फ्यूशियस दो महान लोग हुए हैं, तो लाओत्ज़ू के द्वारा दिए गए दर्शन को ताओइज़्म कहा गया, या वाद कह लें, वाद को ताओइज़्म कहा गया, और कन्फ्यूशियस के द्वारा दिए गए वाद को कन्फ्यूशनिज्म किया गया कहा गया है, जो चीन में पारंपरिक रूप से स्थापित रहा है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। और भी यदि कुछ और इसके अलावा कुछ प्रयोग हो रहे हों कंटेम्प्रेरीली तो उनका हम अध्ययन कर सकते, जैसे गाया थियरी है, उसका कोई अध्ययन करना चाहे तो गाया थियरी का अध्ययन कर सकते। और इन कोर्सेज को मिलाकर हम आपस में एक कोर्स बना सकते हैं, अलग अलग अध्ययन कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है कि कैसे हम 30 घंटों में कितना उसका सदुपयोग किस रूप में करना चाहते हैं। इसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं। जैसे यदि न्याय, वैशेषिक, सांख्य दर्शन को देखें तो मूल रूप से वैदिक दर्शन का एक परिचय हो जाए, न्याय दर्शन मूल अवधारणा क्या है, वैशेषिक में मूल अवधारणा क्या है, सांख्य में मूल अवधारणा क्या है, और इन सबके साथ जीते हुए मानव का लक्ष्य और जीने का कार्यक्रम क्या बनता है, इस पे बात हो सकती है। वैसे योग दर्शन में मूल अवधारणा क्या है, अष्टांगिक योग मार्ग क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये पतंजलि जी द्वारा दिया गया अष्टांगिक योग मार्ग है, इसका बच्चे अध्ययन कर सकते हैं। आज के दिन भी देखें तो बच्चे आसन प्राणायाम तो कर रहे होते हैं, यम नियम की कई बार बात नहीं होती, प्रत्याहार क्या इसकी बात नहीं होती, तो बच्चे विस्तार में इसका अध्ययन कर सकते हैं। और फिर इसके जीने के स्वरूप क्या निकलता है इसके आधार पर उस पर चर्चा हो सकती है। वैसे उपनिषदों में जो ज्ञान उभर कर आया, वेदांत दर्शन में जो ज्ञान उभर कर आया, उसके ऊपर बात हो सकती है और उससे जो जीने का स्वरूप निकलता है उस पर चर्चा हो सकती है। मध्यस्थ दर्शन की जो मूल अवधारणा है, शून्य यानी व्यापक के बारे में जो समझ विकसित होती है, मानव के बारे में जो समझ विकसित होती है, मानव लक्ष्य के बारे में जो समझ विकसित होती है, और इसके साथ जीते हुए मानवीयतापूर्ण आचरण का जो स्वरूप निकलता है उसके उसका अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे बौद्ध दर्शन में देखें तो जो मूल अवधारणा है ना, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, अनित्य कहा, अनित्य किसको कहा, चार नोबल ट्रुथ जो चार आर्य सत्य है वो क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है ना, प्रतीति समुत्पाद क्या है, तो इस तरह के जो पूरी भाषा है, उस भाषा में जो शब्द है, शब्द का जो अर्थ है, अर्थ का जो जीने में प्रयोग व्यवहार है, तो बात हो सकती है। आप पाएंगे कि कई बार ये होता है कि हमारे पास एक भाषा आती है, वो बार बार आती है, और उस भाषा से हम इस तरह से परिचित हो जाते हैं कि अर्थ छूटने लगता है। जैसे हम अगर बार बार कहें संबंध, व्यवस्था, सहस्तित्व, तो बात हमको लगता है तो सुनी हुई है, ये वही बात रिपीट हो रही है, परंतु कई बार इस शब्द को सुनते सुनते हम इसके अर्थ में नहीं जा पाते,
जब हम भिन्न भिन्न दर्शनों का अध्ययन करते हैं तो भिन्न भिन्न कोण से, आयाम से, परिप्रेक्ष्य से उसी शब्द का अर्थ इंगित होता है। कोई प्रेम कह रहे हैं, कोई करुणा कह रहे हैं, है ना, कोई न्याय कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, करते करते अल्टीमेटली हमको दिखता है कि वो कौन सा सही भाव है जो छूट रहा है मुझ में। तो भिन्न दर्शनों के अध्ययन से ये होता है कि हमारा ध्यान आकर्षण और ठीक से हो पाता है। और दूसरी बात, हमारी कल्पनाशीलता को वस्तु मिलती है, जहाँ कल्पनाशीलता बाहर की सूचनाओं के एकत्र करने में, मनोरंजन में इधर उधर व्यस्त रहती है, उसके स्थान पर कल्पनाशीलता को एक सार्थक वस्तु मिलती है ज्ञान के लिए, आचरण के लिए। तो बौद्ध दर्शन के आधार पर जीने का क्या स्वरूप निकलता है उसका बच्चे अध्ययन कर सकते हैं। और इसमें हम ये बात निश्चित रूप से हर कोर्स में कहें कि एक प्रस्ताव है, जो इस पुस्तक में लिखा है उसको आपको सही मान लेना ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको उसको जांचना है, जी कर देखना है। आपको जीने में दिख जाए तो आपके लिए सही है, नहीं दिखता है तो फिर उसको जांचें, कुछ अन्यथा दिखता है तो उसको देख लें, है ना, फिर हम इसको रख देंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको सही दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है। तो हम इस ओपननेस के साथ इन सारे कोर्सेज को ऑफर कर सकते हैं, बिना माने हुए कि कोई बात जो कही जा रही है वही ठीक है, बल्कि हम जो भी कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा ये जितने भी कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, इन सारे कोर्सेज में हम प्रक्रिया तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की रखें। हमें कोई डूज एंड डोंट्स में, शुड एंड शुडंट में बात नहीं करनी है, हमें कोई प्रीचिंग उपदेश नहीं देना है, आदेश नहीं देना है, कोई भय या दंड का बात नहीं करनी है, बल्कि हमें यही बात करनी है कि आपके अंदर समझ कैसे बढ़े, आपके अंदर संबंध का भाव कैसे विकसित हो, व्यवस्था का भाव विकसित कैसे हो, आप कैसे पूरे अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देख पाए, और उसमें इन दर्शनों का, इन कोर्सेज का क्या सदुपयोग हो सकता है, उसको केंद्र में रख के चलें। वैसे जैन दर्शन की जो मूल अवधारणाएं हैं उस पर बात हो सकती है, फिर उसके जो बेसिक रियालिटीज हैं, जैसे नौ तत्व कहे गए हैं अस्तित्व के, नौ तत्व जीव, अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जर और मोक्ष, इनको भी हम विस्तार से समझ सकते हैं, है ना, और इसके साथ जीने का क्या स्वरूप निकलता है उस पर विस्तार से बात हो सकती है। वैसे ही स्वास्थ्य के बारे में हम लोग संक्षेप में चर्चा करते हैं, है ना, जब हम लोग ये बात करते हैं कि शरीर मेरे अनुसार कार्य करे, शरीर के अंग प्रत्यंग के बीच में व्यवस्था हो, और उसको सुनिश्चित करने के लिए मेरे अंदर संयम का भाव हो, तो ये एक मॉड्यूल के रूप में जाता है UHV2 में, बट इस पर विस्तार से बात हो सकती है कि स्वास्थ्य को और हम समग्रता में कैसे देखें। शरीर को अगर हम समग्रता में देखते हैं तो जड़ समझ में आता है, चैतन्य को अपने आप को समग्रता में देखते हैं तो चैतन्य समझ में आता है, और उसके साथ जड़ और चैतन्य का संबंध समझ में आता है। तो स्वास्थ्य को भी जब हम एक होलिस्टिकली देखते हैं तो हमें जड़ और चैतन्य का संबंध समझ में आता है। उसको जब हम जीने जाते हैं तो हमारा आहार विहार कैसा हो, श्रम व्यायाम कैसा हो, ठीक कैसे आसन प्राणायाम शरीर के लिए उपयोगी हैं, और औषधि और चिकित्सा का प्रयोग किस प्रकार हो, कैसे हमारे आसपास का वातावरण भी स्वस्थ हो, ठीक है ना, कैसे स्वास्थ्य तंत्र विकसित हो, बात हो सकती है। उसी के एक भाग के रूप में योग और नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा की बात हो सकती है। तो योग के बारे में पतंजलि योग सूत्रों में बहुत सारी व्याख्या है, उस आधार पर जो जीने का तरीका निकलता है, लाइफ स्टाइल निकलता है, उस पर विस्तार से बात हो सकती है। फिर बहिरंग योग, अंतरंग योग, इस पर बात हो सकती है, और योग, नेचुरोपैथी और खान पान, आज के दिन जो खान पान के लिए बहुत सारे सुझाव मिलते हैं उसमें कितना क्या उपयोगी है, इस पर बात हो सकती है। इसके साथ हमारे मन की दशा क्या हो, है ना, मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या कर सकते हैं, योग का मानसिक स्वास्थ्य में क्या सदुपयोग हो सकता है, फिर योग का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में क्या प्रयोग हो सकता है, कैसे इसके आधार पर हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, शरीर की जांच पड़ताल कर सकते हैं और ट्रीटमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं, इन सब पे बात हो सकती है। वैसे ही अगर हम देखें तो आयुर्वेद का एक लंबा इतिहास है हमारे देश में, और किस तरह से आयुर्वेद विकसित हुआ, आयुर्वेद में क्या क्या मूल तत्व हैं, कौन कौन सी मुख्य पुस्तकें हैं, क्या ब्रांचेज हैं इसके, आयुर्वेद में किन किन रोगों का इलाज हो पाता है, किस प्रकार से हो पाता है, देखते हैं तो सारे रोगों का इलाज संभव है ऐसा बताया जाता है, तो उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। आयुर्वेद में एक अच्छी बात यह है कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, और ये कुछ चीजें हैं जो हर व्यक्ति को आना अच्छा ही है, क्योंकि मैं तो देखता हूँ कि हमारे कॉलेज में शायद ही कभी ऐसा हो कि बैच के सारे बच्चे आए, कोई ना कोई एबसेंट रहेगा, पूछो क्या हो गया भाई, उसका पेट खराब है, क्या हो गया, सर्दी जुकाम बुखार है, क्या हो गया, है ना,
ऐसा कुछ हो गया, वैसा कुछ हो गया है, तो बच्चों को अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें इसकी जानकारी नहीं है। और इसका अगर आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें तो बहुत ज्यादा है। शरीर के प्रति भय बने रहना, जो अवसर मिल रहा है अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए, उसको पूरा ना कर पाना, फिर उससे बचने के लिए बहुत सारा है ना बच्चे प्रयास करते हैं, कैसे अटेंडेंस बढ़ जाए, कैसे परीक्षा में शामिल हो जाए। तो मूल रूप में देखें तो अगर बच्चे स्वस्थ रहना सीख लें तो इन सब इस तरह के तरीकों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा कि नहीं। तो बच्चों में इस तरह की कॉन्सेप्ट की भी समझ हो, त्रिदोष क्या होता है ना, किन किन प्रकार के स्वाद शरीर को जाता है और कैसे वो दोषों से जुड़ा हुआ है, सप्त धातु क्या होते हैं, रोग क्या होता है, हमारे शरीर की प्रकृति क्या है ना, कफ की है, वात की है, पित्त की है, क्या प्रकृति है, ये बच्चों को नहीं पता होता है। बच्चे कुछ भोजन लेते हैं, उनकी प्रकृति से मिलता नहीं है और फिर बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो अगर ये सब भी अगर एक इनपुट के रूप में जाए, और मैं तो कहूँगा फर्स्ट ईयर में अगर चला जाए तो बहुत ही उपयोगी रहेगा। फिर आयुर्वेद में जो चिकित्सा की बहुत सारी पद्धतियां हैं उस पर बात हो सकती है, और आयुर्वेद के साथ साथ हमारे देश में और भी बहुत सारी पद्धतियां रही हैं, जैसे सिद्ध सिस्टम है, यूनानी सिस्टम है, एक और सिस्टम है जो तिब्बत में विकसित हुआ और आज के दिन हिमाचल, जम्मू ऐसे क्षेत्रों में या उत्तरांचल में भी उपयोगी है, जिसको सोवा रिग्पा कहते हैं। हम लोग कम जानकारी होगी, मुझे अभी जानकारी जुटाते हुए इसके बारे में पता चला कि सोवा रिग्पा नाम से एक सिस्टम है, यूनानी और सिद्ध तो मैंने सुना हुआ था। तो हमारे देश में स्वास्थ्य पे बहुत काम हुआ है, बच्चों को उसके बारे में जानकारी नहीं रहती, और बच्चों जब भी बीमार पड़ते हैं सबसे पहले दौड़ते हैं एलोपैथी के लिए, और छोटी छोटी बातों पे एलोपैथिक दवाएं खाते हैं, फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं उनके अंदर। तो अगर बच्चों को ये सब जानकारियां रहें, समझ रहे, तो बच्चे खुद से अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। वैसे जो तीन कोर्सेज की बात हुई, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, तो कैसे मानव के अध्ययन, प्रकृति के अध्ययन, अस्तित्व के अध्ययन को आधार बनाकर मनोविज्ञान का अध्ययन हो, समाजशास्त्र का अध्ययन हो, अर्थशास्त्र का अध्ययन हो, उस पर बात हो सकती है। इसके बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, पूरा कोर्स है, आपको ये AICTE द्वारा अप्रूव भी है, उसमें आपको ये मिलेगा ये कोर्स। फिर वैसे टेक्नोलॉजीज की जो हम लोग बात कर रहे थे, तो जैसे हमने प्रकृति की व्यवस्था की बात की, उसके अर्थ में हमने तकनीकी की बात की कि मानव की आवश्यकता क्या है, उसको कैसे पूरा किया जाए ऐसी विधि से जो इको फ्रेंडली हो, ह्यूमन फ्रेंडली हो। फिर उसके हम स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे बात कर सकते हैं कि मानव की आवश्यकता कैसे पूरी हो, कैसे प्रकृति में जो तंत्र बने हुए हैं, जो आवर्तनशील चक्र बने हुए हैं, उसको पूरा करते हुए कैसे आवश्यकताएं पूरी हों, मानव शरीर का सदुपयोग कैसे बढ़े, पशु पक्षी मिट्टी हवा पानी इन सब का सदुपयोग कैसे सुनिश्चित हो, ऐसे क्राइटेरिया हम बना सकते हैं, बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं और बच्चों को क्वेश्चन करने दे सकते हैं। इनफैक्ट इसको जितना एक्सप्लोरेटिव बनाएंगे बच्चों का ध्यान भी जाएगा और इसमें नए नए हमको इनपुट्स मिलेंगे। कई चीज़ों का ध्यान हमारी तरफ से सहज से नहीं जाता, परंतु ऐसे जब चर्चाएं होती हैं, प्रश्न उठते हैं, उसका हम उत्तर ढूंढते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा शोध हुआ है परंपरा में, उसका भी ज्ञान होता है और नए प्रयोग करने की भी प्रेरणा मिलती है। तो और जैसे पहले बात हुई इसकी जो केस स्टडीज हैं, ऐसे जो प्रोडक्ट डिजाइन किए गए हैं, तो ऐसे आप पाएंगे अगर आप भी यूट्यूब पे ढूंढना शुरू करेंगे ऐसे असंख्य वीडियो आपको मिलेंगे ना, बहुत सारे वीडियोज हैं, किसी ने कोई औजार बनाया, कोई टूल बनाया है। जो मैं ज्ञान संस्था की बात कर रहा था, यहानी भी नेटवर्क का, उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोज हैं, किसी ने मिट्टी से रेफ्रिजरेटर बनाया है, किसी ने, अभी हम लोग कानपुर गए थे तो अपने साथी हैं, उन्होंने गोबर से बनी हुई घड़ी भेंट की तो पूरा जो उसका प्लेट है वो गोबर से बना हुआ है और उसके ऊपर घड़ी की सुई चलती है। और मेरे ऑफिस में घड़ी खराब हो गई थी, हमने हटा दिया था, अब मैंने वो गोबर की बनी हुई घड़ी जो है अपने ऑफिस में लगा दी है, कोई भी आता है तो देखता है, बताता हूँ देखिए गोबर से बनी हुई घड़ी। तो ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं ना, जिससे हम, अब देखिए तो गोबर से घड़ी बना सकते हैं तो गोबर का सदुपयोग बढ़ गया, गोबर का सदुपयोग बढ़ा तो पशुओं का सदुपयोग बढ़ गया, तो ऐसे गाय जिनको हम अनुपयोगी मानते हैं उनका उपयोग बढ़ गया, घर के ऐसे सामान जिसको अनुपयोगी मानते हैं उसका उपयोग बढ़ जाता है। तो आज के दिन जो कहते हैं ना कि रीयूज करिए, रिसाइकल करिए और अनावश्यक चीजों को रिड्यूस करिए, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, ये कैसे बढ़े, तो ऐसी तकनीकियों पे हम लोग बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी तकनीकें हैं, इस पे बात करने जाएंगे तो पूरा एक सेशन इसी पे रन करना पड़ेगा, और ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोज मिलेंगे, जानकारियां मिलेंगी, लिटरेचर मिलेगा। पशु उत्पादन तंत्र कैसे हो, कैसे हम लोकल रिसोर्सेज को, लोकल एक्सपर्टीज को ठीक से उपयोग कर पाए, है ना, मानव
मानव का प्रयोग हो, पशुओं का प्रयोग हो। जैसे भी देखिए तो क्या हुआ कि हम गाय से तो दूध लेते हैं, बट बैलों से जो खेती हो रही थी वो बंद हो गई, तो बैलों का क्या करें, एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया। फिर कई बार यही होता है कि फिर लोग इनको हिंसा करते हैं, इनको मार काट देते हैं, है ना। तो क्या बैलों का सदुपयोग हो सकता है प्रकृति में, है ना। वैसे ही विकल्प के रूप में पवन ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का और पानी का, बायोमास का कैसे सदुपयोग बढ़ सकता है, कैसे उसके द्वारा ऊर्जा उत्पादन हो सकता है, कैसे हमारे घर के तंत्र काम कर सकते हैं, यंत्र काम कर सकते हैं, उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी पे स्टडी हो सकता है। कई बार कहते हैं कि थिंक ग्लोबली एंड यूज लोकली, तो लोकली हम चीजों को बनाए, लोकली प्रयोग करें। खाने पीने की चीजें हैं, पहनने ओढ़ने की चीजें हैं, मकान है, साधन है, कौन सी चीजें हम लोकली पूरा कर सकते हैं कि नहीं। अभी ये हो गया कि हम लोकली सोच भी नहीं पाते और हम सोचते हैं ग्लोबल प्रोडक्ट्स यूज करें। तो बच्चों को क्या है, उनकी कल्पनाशीलता थोड़ी कम विकसित रहती है इस स्टेज में, और जो सुनते हैं मीडिया से, आसपास से, फिल्मों में जो देखते हैं उसे प्रभावित रहते हैं, तो उनकी आकांक्षाएं, इच्छाएं भी वैसी रहती है ना, कि फलाने देश में जाएंगे, फलानी चीज खाएंगे, फलानी चीज घूमेंगे। उसके स्थान पर बच्चों को दिखता है कि जहां मैं रह रहा हूँ वहां कैसे मैं व्यवस्थित होकर जी सकता हूँ, ऐसे सिस्टम्स को स्टडी करने से, कैसे सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं ना, विकेंद्रीकृत कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको और उसमें बहुत सारे केस स्टडीज मिलेंगे। तो ये जैसे कुछ केस स्टडीज का यहाँ उदाहरण रखा गया है, तो बायोफ्यूल्स, रूरल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी फॉर मटेरियल फॉर रूरल हैबिटेट एंड सो ऑन। वैसे हेल्थ केयर सिस्टम्स, एजुकेशन सिस्टम्स, बहुत सारा काम हुआ है हमारे यहाँ। स्वास्थ्य का बहुत सारा प्रयोग रहा है, गुरुकुल का बहुत सारा प्रयोग रहा है ना, उनका अध्ययन कर सकते हैं। क्राफ्ट इंडस्ट्री का बहुत सारा प्रयोग रहा है। मैंने मॉडल में भी जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग बिहार अपने को देख लिया। कोऑपरेटिव को लेकर हमारे देश में एक लंबा काम हुआ है, महाराष्ट्र में काफी सारा काम हुआ है कोऑपरेटिव को लेकर, और उसमें यदि हम समाज को केंद्र में ले आए तो उन कोऑपरेटिव का सही सही सदुपयोग भी हो सकता है, क्योंकि हम एक शॉर्ट एनालिसिस कही जाती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, इसको भी हम स्टडी कर सकते हैं, करा सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में जाए तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग आज के दिन भी हो रहे हैं, परंपरा में हुए हैं, है ना। जैसे फुकुओका का एक विधि है जिसको कहते हैं डू नथिंग फार्मिंग, आप कुछ मत करिए और खेती होती रहती है। वो इतना ही करते हैं कि खेत के तंत्र को बिगाड़ने नहीं देते हैं, खेत के तंत्र को बनाए रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रेरणादायक प्रयोग हैं आज के दिन में, हमारे कई साथी प्रयोग कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है उसमें कई सारे साथी खेती को लेकर प्रयोग कर रहे हैं, उसके उत्पादन को कैसे और बेहतर बनाया जा सके उसके लिए भी काम कर रहे हैं। तो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है, इसके केस स्टडीज पे हम लोग स्टडी कर सकते हैं, करा सकते हैं। वैसे जो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की बात हो रही थी तो उसमें चार तत्व को रखा गया है, ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड एंड रिक्वेस्ट। तो इन चार तत्वों पे विस्तार से बात होती है इस कोर्स में, कैसे हम दूसरे के लिए महसूस कर पाए एम्पथी। कैसे हम दूसरे के लिए महसूस कर पाए, हमारे अंदर एम्पथी जनरेट हो, कैसे हमारी भाषा, है ना, पूरक हो, तो नॉन वायलेंट हो, हिंसात्मक ना हो, बल्कि उसमें प्रेम का, करुणा का भाव हो, है ना। इस पे हम लोग कोर्स ऑफर कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे बच्चों में उद्यमिता का विकास हो, जो मैं पहले कह रहा था, है ना, और आज की दिन क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, चैलेंजेज हैं। देखिए, इन 10 पानी जो व्यवस्था की बात करें, परिवार से लेकर विश्व परिवार तक, परिवार का भी कोई प्रतिनिधि होगा, परिवार समूह का प्रतिनिधि होगा, तो वो भी कैसे विकसित हो, कैसे हम समाज के भिन्न भिन्न तंत्रों में एक नेतृत्व के भावना को या उद्यमिता के भावना को विकसित कर पाए, इस पे बच्चों के साथ सटीकता से बात हो सकती है। उसके साथ ही सोशल इंटरप्राइज से बात हो सकती है। तो आज के दिन देखें तो बच्चों को सोशल इंटर्नशिप के लिए भी कहा जाता है, तो पहले इंटर्नशिप सिर्फ हो रहा था, अब सोशल इंटर्नशिप की भी बात हो रही है, तो उसमें बहुत सारा इनपुट बच्चों को मिल सकता है। साइंस एंड ह्यूमैनिज्म का जो कोर्स आईटी दिल्ली में ऑफर किया गया, जिससे एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू निकलता है, कि पूरे अस्तित्व को जड़ मानकर सोचने का ढंग निकलता है। उसकी जो लिमिटेशन की मैं बात कर रहा था, उन लिमिटेशन को सामने रखते हुए कैसे एक विकल्प तैयार हो रहा है इन धाराओं से, उस पर बात हो सकती है, जिससे बच्चों के अंदर एक होलिस्टिक विजन डेवलप हो। खासतौर पर देखें तो IITs, IIM में जो बच्चे हैं वो ज्यादातर इन चीजों की ओर आकृष्ट रहते हैं, जो प्रेवलेंट साइंस है, बट उसके लिमिटेशंस का उनको पता नहीं होता।
इसलिए जीने में चूक होती रहती है। तो अगर हम उनके लिमिटेशंस को भी सटीकता से रख पाए बच्चों के सामने, तो बच्चों को ध्यान जाता है अन्य धाराओं पे जहाँ समाधान निकलता है। फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेकर माइनर डिग्री बनाया गया है और उसमें कुछ कोर्सेज हैं जिसको IKS 3-4 से लेकर 8 तक के कोर्सेज हैं। तो वसुधा कुटुंबकम को लेकर जहाँ हमारे देश में बात हुई है, हमारे देश में जो विज्ञान तकनीकी अभियांत्रिकी को लेकर जो बात हुई है, सिटी की प्लानिंग कैसे हो, आर्किटेक्चर को लेकर, वास्तुकला को लेकर बहुत सारा काम हुआ है हमारे देश में। वैसे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी को लेकर, एस्थेटिक्स को लेकर जिसमें म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डांस, ड्रामा है ना। फिर अर्थशास्त्र भी है, उस पर भी है ना काफी सारा कुछ लिखा गया है, स्वास्थ्य को लेकर लिखा गया है, ये कोर्सेज भी ऑफर कर सकते हैं। अब दूसरे और भी जो कोर्सेज हो सकते हैं अगर हम इसके पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाए, टेक्नोलॉजी की बात करें तो मेटल वर्किंग को लेकर, या न्याय शास्त्र की बात करें तो लॉजिक को लेकर, हमारे देश में लॉजिक को यानी तर्कशास्त्र को काफी गहनता से अध्ययन किया गया है। भाषा तंत्र को लेकर, हमारे देश में इतनी भाषाएं बोली जाती थी, इतने सारे लिपियां रही हैं, वो विश्व में विरले ही देखने को मिलता है, उस पर बात हो सकती है। या प्रशासन को लेकर, भौतिक शास्त्र को लेकर, तो बहुत सारा कुछ हमारे देश में हुआ है जिस पर हम लोग बच्चों से डिस्कशन कर सकते हैं, कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जो शुरू में थोड़ी सी बात हुई, तो हम ऐसे कोर्सेज जो हमारे रेगुलर करिकुलम में भी नहीं है, इलेक्टिव में भी नहीं है, माइनर डिग्री में नहीं है, उसको यहाँ शामिल कर सकते हैं। तो यदि किसी यूनिवर्सिटी ने माइनर डिग्री शुरू ही नहीं किया है तो सारे कोर्सेज हो जाएंगे। अगर इन कोर्सेज में इलेक्टिव भी नहीं आया है तो सारे कोर्सेज हो जाएंगे। अदरवाइज जो आ गए हैं उनको छोड़कर बाकी कोर्सेज में हम बच्चों के साथ ऐसे वैल्यू एडेड कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं। और इसको जरूर हम अपने हायर अथॉरिटी से अप्रूव करा लें, है ना, बोर्ड ऑफ स्टडीज से अप्रूव करा लें, ताकि ये जो वैल्यू एडेड कोर्सेज उनकी एक स्वीकृति मिले, ताकि आप जो समय लगा रहे हैं उसकी भी एक स्वीकृति होगी, बच्चे जो समय लगा रहे हैं उनको जो सर्टिफिकेट देंगे उस पर भी अप्रूवल होगा हायर अथॉरिटीज के द्वारा। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम रन कर सकते हैं फैकल्टी को इन कोर्सेज में प्रवीण बनाने के लिए। उसको अगर हम सेल्फ फाइनेंस मोड में करेंगे तो ज़्यादा उपयोगी रहेगा, फिर हमारी निर्भरता नहीं होगी। और इसमें कुछ खास अपने को समय भी अलग से नहीं लगाना है। अगर हम कॉलेज में हर दिन नियमित समय कुछ लगाएं, जैसे एक तरीका हम लोगों ने निकाला था जिस यूनिवर्सिटी में पहले काम कर रहा था मैं, कि जब एग्जामिनेशन होते थे तो इन्विजिलेशन ड्यूटी हुआ करती थी, और दोनों शिफ्ट में मतलब हमारे ड्यूटीज फिक्स होते थे कि आपको अगर 2 हफ्ते एग्जाम है तो कम से कम 6 ड्यूटीज 8 ड्यूटीज करनी है। तो हमने एक प्रस्ताव रखा था वाइस चांसलर से कि आप, हम सब लोग जो इस वर्कशॉप में बैठना चाह रहे थे, ह्यूमन बायोलॉजी वर्कशॉप करना चाह रहे थे, उनको आप फर्स्ट हाफ में ड्यूटी लगा दीजिए, सेकेंड हाफ में हमें उपलब्ध करा दीजिए वर्कशॉप के लिए। और ऐसा हुआ और उससे कई लोग वर्कशॉप से गुजर पाए। तो ऐसे हम तरीके निकाल सकते हैं जिसमें हम माइनर डिग्री के लिए या ऐसे कोर्सेज के लिए, वैलिड कोर्सेज के लिए फैकल्टी को तैयार कर सकते हैं। और बच्चों को सर्टिफिकेट जरूर दे दें, इससे बच्चों को ये भी सर्टिफिकेशन होता है कि हाँ इस कोर्स से गुजरे हैं, तो जो उनको सूचना मिली है, ज्ञान मिला है, समझ मिला है, उसको हम सर्टिफाई भी कर सकते हैं। और बच्चों को हम कह भी सकते हैं, तो आज के दिन जो देखें तो ऑटोनॉमी देने की बात हो रही है कि एक यूनिवर्सिटी के द्वारा अधिक से अधिक कॉलेज मैनेज किए जाएं, उसके बजाय कॉलेज को ऑटोनॉमी दी जाए। तो हम ऐसे नियम भी बना सकते हैं कि हर बच्चे को कम से कम एक वैल्यू एडेड कोर्स हर सेमेस्टर करना है। जैसे आज के दिन एक नियम बनाया गया हर फैकल्टी के लिए भी कि ऑनलाइन कोर्स करने कम से कम आपको हर सेमेस्टर, वैसे वैल्यू एडेड कोर्स भी इसमें जोड़ सकते हैं कि ऑनलाइन उपलब्ध है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप खुद से वैल्यू एडेड कोर्सेज अटेंड करें और बच्चों को भी अटेंड कराएं। और ऑफ आवर्स बहुत सारे हमको मिलते हैं, उसमें हम इन कोर्सेज को अगर ऑफर करते हैं तो ये सटीकता से बच्चे अध्ययन भी कर पाएंगे और हमारे भी समय का सदुपयोग होगा, वातावरण तैयार होगा, पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा। इतनी बात मुझे अपनी तरफ से रखनी थी इसको लेकर। यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो, तो आप रख सकते हैं।